थोड़ा सा इधर ले आना भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इस वक्त मौजूद हूँ मैं डेजर्ट के सेंटर में, और आज जो है ना आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो सहराई जहाज होते हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ जो गाड़ियां दौड़ती हैं और सहराई जहाज भी दौड़ते हैं, तो आपने खुद देखना है कि इनमें से बेहतर कौन है। और एक गिला तो मेरा बनता है आप लोगों से, चलो ये भी दिखाऊंगा सही, लेकिन एक गिला बनता है कि आप देखते हैं ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। इतना सा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं देखे किस तरह के माहौल में आपको के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ। तो बनता तो है कि आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, तो ये लाजमी काम करना है आपने। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं कैम्बल वर्सेस कार। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तेज हवा की वजह से वाल जो है ना वो बिखरे पड़े हैं। अभी आपने देखे हैं ऊंट, और अभी जाते हैं गाड़ियों की तरफ जहां पे गाड़ियां भाग रही हैं। आज के छोटे से ब्लॉग में आपने देखा कि सहरा में सहराई जहाज के साथ साथ गाड़ियां भी किस तरह तेजी से दौड़ती हैं, और अब आपने ये मुझे बताना है कि गाड़ियां बेहतर थी या सहराई जहाज यानी कि ऊंट। तो आज का ब्लॉग छोटा सा इसी वजह से बनाया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आज खराब है, लेकिन ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी यह बताना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है। काट के इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी भी कुछ सपोर्ट होनी चाहिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखने वालों के लिए बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफिज़।